नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हैती के प्रेसिडेंट जोवेनल मोइस की 7 जुलाई को हत्या कर दी गई। हमला उस वक्त हुआ जब मोइस अपनी पत्नी मार्टिनी मोइस के साथ पोर्ट ओ प्रिंस स्थित आवास में थे। हमले के दौरान मुठभेड़ भी हुई और पुलिस ने 4 संदिग्धों को मार गिराया। इस रिपोर्ट में देखिए, प्रेसिडेंट जोवेनल मोइस की हत्या की साजिश के आरोप में करीब 26 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन हैती पुलिस की नजर है 63 साल के हैतियन अमेरिकी डॉक्टर क्रिश्चियन इमैनुअल सिनोन पर, जो कहता था कि उसे भगवान ने भेजा है। जानिए प्रेसिडेंट की हत्या और उसके आरोपों में घिरे डॉक्टर के बारे में। मोइस 2017 में हैती के प्रेसिडेंट बने थे। 7 जुलाई को वो पोर्ट ओ प्रिंस में अपने घर में थे। एक ट्रेंड हमलावर घर में घुस गया और उन पर फायरिंग कर दी। गोलियां उनकी पत्नी को भी मारी गई थी। मोइस की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी पत्नी की हालत अब भी गंभीर है। मोइस की पत्नी को मियामी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां से उन्होंने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि वो मोइस की लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगी। हैती के न्यूज़पेपर ले नेविस्टे ने कहा कि हमले के दौरान राष्ट्रपति को बचाने उनका कोई वफादार नहीं आया। ये अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। फ्लोरिडा का रहने वाला क्रिश्चियन इमैनुअल अमेरिकन हैतियन है। 2011 में उसने एक YouTube वीडियो पोस्ट किया था। उसी से उसके बारे में काफी कुछ पता चला। इस वीडियो में उसने खुद को डॉक्टर बताया था। द गार्जियन के मुताबिक इमैनुअल जून में प्राइवेट प्लेन के जरिए अमेरिका गया था और यहाँ उसने प्रेसिडेंट मोइस की हत्या की साजिश रचने वाले और उनकी हत्या करने वाले हिटमैन के बीच बिचौलिए का रोल अदा किया। फ्लोरिडा पुलिस ने बताया कि इमैनुअल ने एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म से भी बातचीत की थी ताकि इस साजिश को अंजाम देने के लिए लोगों को रिक्रूट किया जा सके। मोइस की हत्या की वजह अभी भी साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि हैती में पॉलिटिकल चेंज के लिए इस मर्डर को अंजाम दिया गया। जहां तक बात इमैनुअल के इरादों की है, तो जून में पोर्ट ओ प्रिंस में क्यूस्कुआ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर माइकल प्लेंसर के न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू से साफ हो जाती है। माइकल प्लेंसर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि इमैनुअल से उनकी 2 बार मुलाकात हुई। पहली मुलाकात 1 जून को हुई और इसके बाद दूसरी मुलाकात कुछ दिन बाद हुई। इस दौरान करीब 8 लोग वहां मौजूद थे। बातचीत से जाहिर हुआ कि इमैनुअल हैती का शासन चलाना चाहता था। प्रोफेसर प्लेंसर ने बताया, इमैनुअल कहता था कि उसे भगवान ने भेजा है। उसने बोला था कि वो गॉड के मिशन पर है और ये मिशन है मोइस को हटाना। कहता था कि राष्ट्रपति जल्द इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वजह नहीं बताई थी। उसने कहा था कि वो हैती को चलाने के लिए एक मार्शल प्लान तैयार करेगा। वो थोड़ा पागल लगता था। वो वहाँ की फ्रेंच भाषा को बदलकर आधिकारिक भाषा अंग्रेजी करने की बात किया करता था। हैती पुलिस ने तो अभी तक यही कहा है कि इमैनुअल प्रेसिडेंट बनना चाहता था और इसी के लिए मोइस की हत्या कर दी। लेकिन इस सवाल पर कि एक डॉक्टर प्रेसिडेंट बनने के लिए ऐसी साजिश कैसे रच सकता है, इस पर पुलिस के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।